Hello student, how are you? I hope you all are doing well. Okay? Yes. Okay student, आज हम lesson number 4 का page number 16 solve करेंगे. Okay? तो जिसमें है life skill. Food gave us nutrition, but eating too much or too little can cause many problems. Okay? जो food है वो जो हमें nutrition देता है खाने से, but ईटिंग टू मच मतलब ज़्यादा खाने से और कम खाने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ओके, फूड जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है. फूड खाने से हमारे में एनर्जी आती है जिससे हम अपने अदर वर्क कर सकते हैं. बट कोई भी चीज़ जैसे फूड है, हम ज़्यादा खा लेंगे तब भी हमको प्रॉब्लम होगी और हम कम खाएंगे तब भी हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मैनी प्रॉब्लम्स. ओके, ईटिंग टू लिटिल कैन कॉज वीकनेस. जब हम बहुत कम खाएंगे तो हमको क्या होगा, वीकनेस हो गई, कमज़ोरी हो गई. ईटिंग टू लिटिल कैन कॉज वीकनेस, ये हमें वीकनेस हो जाएंगी. ईटिंग मच कैन कॉज, और ज़्यादा खाएंगे तब हमको भी प्रॉब्लम हो जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग किड्स ईट्स टू मच एंड विच वन ईट्स टू लिटिल. अब इनमें से कौन सा जो किड है, बच्चा है, ज़्यादा खाता है, कौन सा कम खाता है. ईट्स टू मच, ये जो है ये ज़्यादा खाता है क्योंकि ये फैटी दिख रहा है ना. एंड ईट्स टू लीटर, ये थोड़ा सा पतला दुबला दिख रहा है तो ये ईट्स टू लीटर, ये बहुत कम खाता है. ओके, जैसे स्टूडेंट फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपना सारे दिन का काम कर सकते हैं. बट अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तब भी हमको प्रॉब्लम होगी, अगर हम कम खाएंगे तब भी हमको प्रॉब्लम होगी. ओके, नेक्स्ट, यस, एक्सरसाइज टाइम. ओके, टेक द राइट आंसर. आप लोग अपनी बुक लेके, पेंसिल लेके बैठ जाइए एंड जैसे मैं क्वेश्चन करूँ आपको आंसर रिप्लाई करना है, तुरंत टिक करना है. ओके, पीपल हु ईट एग्स आर, ओके, लोग जो अंडे खाते हैं कौन होते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियन इज द राइट आंसर, सो वी कैन टिक हियर. सो हम यहाँ पर टिक का साइन लगाएंगे, नॉन वेजिटेरियंस. ओके, सेकंड, पल्सेस आर एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड इज अ राइट आंसर, सो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे. ठीक है, पल्सेस क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है. ओके, नेक्स्ट, राइस इज अ ग्रेन. राइस इज अ ग्रेन kind of pulses. Grain is a right answer, so हम यहाँ पे grain लिखेंगे. Okay, grain. So I repeat again, take the right answer. People who eat eggs are non-vegetarian is a right answer. Pulses are bodybuilding food is a right answer. Rice is a grain. Okay, next is filling the blank. Okay, filling the blanks. People who eat fish are called non-vegetarians. Okay, people who eat fish are called non-vegetarians. N-O-N, non-vegetarians, non-vegetarians. Okay, next, dash and dash are protective food. Vegetables and fruits are protective food. V-E-G-E-T-A-B-L-E-S, vegetables and fruits, fruits are protective food. Okay, vegetables and fruits are protective food. Next, burger and pizza are dash food. Burger and pizza are junk food. J-U-N-K, junk food. Okay, burger and pizza are junk food. Water help us to digest the food. D-I-G-E-S-T. Water help us to digest the food. जो water है, जो क्या है, काम करता है हमारे जो food को, जो हम खाना खाते हैं उसको digest करने में help करता है. Okay? I repeat again. People who eat fish are called non-vegetarians. Vegetables and fruits are protective food. Burger and pizza are junk food. Water help us to digest the food. Okay student, so your homework is, आपका जो homework है आपको टिक
द राइट आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ही सुंदर राइटिंग में अपने नोटबुक पे कंप्लीट करना है. ओके, दिस इज योर होमवर्क. नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट. हैव अ नाइस डे.